हैं Adobe Photoshop 7.0 पर एप टाइप लोगो कैसे क्रिएट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो छोटी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वर्मा और आप देख रहे हैं Adobe Info। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको Adobe Photoshop खोल लेना है एंड खोलने के बाद कंट्रोल एन प्रेस कर लेना है। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद प्रीसेट साइज में आपको पता होगा मैं हर बार यही साइज रखता हूँ, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर लेनी है। इमेज इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल ओ प्रेस कर लेंगे। ओके करने के बाद अब आपको ये वाली इमेज ले लेनी है। मैं इसका इमेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके तो ये देखिए, ये इस तरीके से मिल जाएगी आपको। यहाँ से ये लोगो आप पीछे से आपको हटा लेना है इस तरीके से। ये हो गया, ओके हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब इसमें आपको कंट्रोल टी प्रेस कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसे रोटेट कर लेना है इस तरीके से। अब इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। ओके अब शिफ्ट दबाकर रखेंगे एंड इसे इस तरीके से मोड़ देंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक लेयर और क्रिएट कर लेनी है। करने के बाद अब आपको इसे फिर से कंट्रोल टी प्रेस कर लेना है एंड आपको रोटेट करना है इसे थोड़ा सा इस तरीके से, और इसे फ्लिप कर लेंगे ऐसे। ओके हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे रखेंगे इसे थोड़ा सा, एंटर करेंगे और इसे इस जगह पर रखेंगे। रखने के बाद अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। थोड़ा इस तरीके से रखेंगे, जूम कर लेंगे थोड़ा सा। अब पेन टूल का यूज करेंगे यहाँ पर। ये वाला ले लेना है आपको यहां से, ऐसे करेंगे। ओके एल्ट दबाएंगे और फिर यहां पर ले आएंगे। ओके इस तरीके से करने के बाद अब आपको यहां पर इस तरीके से कर लेना है, ऐसे करेंगे, ऐसे करके इसे ऐसे करने के बाद अब इसे मैं के सिलेक्शन करेंगे। ओके करेंगे करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड लेयर पर क्लिक कर देना है। ओके एंड डिलीट करेंगे तो आपका ये इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी करने के बाद कुछ इस तरीके से कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगा। ओके एंड छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको इसकी लेयर दोबारा से बना लेनी है सेकंड वाले की, इसके ऊपर रख देना है बस सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। ओके अब आपको यहाँ पर एक चीज करनी है, अब आपको यहाँ पर ये ले लेना है। ओके लेने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे। ओके करने के बाद आप फर्स्ट लेयर पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसे इस तरीके से कर लेंगे। ओके एंड सेकंड लेयर को भी करेंगे थोड़ा सा ऊपर से करेंगे थोड़ा सा। ओके ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ओके ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसे इस तरीके से कर लेना है तो आपका इस तरीके से एफ टाइप लोगो क्रिएट हो जाएगा। ओके एंड आप यहाँ पर अपना कोई भी नाम रख सकते हैं। आप अपने तरीके से इसे रख सकते हैं। मैं हर चीज बड़े में लिखता हूँ, मुझे बड़ा लोगो लगाना अच्छा लगता है। ओके इस तरीके से करेंगे,
तो ये देखिए आपका लोगो एफ टाइप लोगो क्रिएट होकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर